नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई करके बहुत पछताओगे, ऐसा कुछ लोग को मानना है। मैं दोस्तों आज आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमेंट करते हैं कि आईटीआई करना व्यर्थ होता है, आईटीआई नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में वो सच्चाई बताने वाला हूँ, उनका दर्द बयां करने वाला हूँ जो लोग कहते हैं आईटीआई करना व्यर्थ होता है। अगर आप लोग 2024 में आईटीआई करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आईटीआई करना व्यर्थ क्यों होता है और लोग पछताते क्यों हैं आईटीआई करने के बाद। मैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सच्चाई बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ये है इसमें मेन पॉइंट। देखिए, जब आईटीआई लोग करते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कहीं उनको जॉब मिल जाए, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं कहीं जॉब लग जाए। और अगर जॉब नहीं लगता है तो वही लोग कमेंट करते हैं कि जो है आईटीआई करना व्यर्थ होता है या फिर जो है आईटीआई नहीं करना चाहिए। अब सवाल दोस्तों, ऐसा क्या कारण कि जॉब नहीं लगती है, ना तो गवर्नमेंट में ना ही प्राइवेट में। तो आइए मैं आपको वो सच्चाई बताता हूँ जिसके आधार पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आईटीआई करना सही है या गलत है। दोस्तों मैं आपको पॉइंट के आधार पे समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है गलत ट्रेड। जब देखिए लोग आईटीआई करते हैं तो गलत ट्रेड से कर लेते हैं, फिर बाद में जब जॉब नहीं लगती है कहीं पे तब वही लोग कहते हैं कि जो है आईटीआई करना व्यर्थ होता है और फिर आईटीआई के लोग पछताते हैं। तो सबसे पहले जब आप आईटीआई करें तो आप ये ध्यान रखें जिस ट्रेड से आप कर रहे हैं उस ट्रेड की डिमांड है मार्केट में या नहीं है। जैसे नए नए ट्रेड मार्केट में अब आ रहे हैं, पुराने ट्रेड जो हैं जो कुछ वैल्यू उसके नहीं हटाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत यह है कि जो मॉडर्न ज़माने में जिस ट्रेड की डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर आप उस ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो गवर्नमेंट में अगर जॉब कहीं नहीं लगता है तो मान के चले कि प्राइवेट में आप जॉब पा जाएंगे और 25,000 तक जो है, यानी 20 से 25,000 तक जो है आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें आप पा सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी हुआ, टाटा मोटर्स हो गया, हीरो हो गया, ठीक है। इस सारी कंपनियों में आपको आराम से पैसे मिल जाते हैं। और जो नॉर्मल कंपनियां हैं तो उसमें जो है आपको जो है 10 से 15,000 रुपये भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप जो है सही ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको जॉब कहीं कहीं ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो पक्का मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। और वही समस्या फिर आगे आएगी कि लोग कहते हैं कि आईटीआई करना व्यर्थ होता है। तो पहला रीज़न दोस्तों ये है कि आप जब आईटीआई करें तो अच्छे ट्रेड से करें, और अच्छे ट्रेड से कर लेते हैं तो आपका जॉब कहीं कहीं ज़रूर लगेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट है दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, जिस आप ट्रेड से कर रहे हैं उसके बाद जो है आप जिस कॉलेज से आईटीआई करते हैं वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, या फिर जो है प्राइवेट की बात करें, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है। तो अगर आप उस ट्रेड से मतलब वहाँ पे उस कॉलेज से आईटीआई करते हैं जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है तो आपके कॉलेज से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जब मैंने आईटीआई किया था तो मैं जहाँ से आईटीआई मैंने किया था वहाँ पे जो है हर साल कंपनी आती है, ठीक है। तो अगर आप अच्छी ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो आपको जो है कहीं कहीं कैंपस जो है प्लेसमेंट कंपनी आती है तो आपका जॉब कहीं कहीं लग जाता है। तो ये इसमें बेनिफिट होता है। अगर आप गलत कॉलेज चुन लेते हैं तो उसका भी जो है आपको नुकसान आगे देखने को मिलता है, और फिर लोग ही पछताते हैं कि अच्छे कॉलेज से किए होते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो दोस्तों भविष्य में आप ध्यान रखेंगे, दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पहला जिस ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है, और जिस कॉलेज से कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना, सोच समझ के कॉलेज और ट्रेड का चयन करना चाहिए। अगर गलत चयन हो गया तो आप पछताएंगे, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों जो मेन पॉइंट है आप वो समझ लीजिए, तीन पॉइंट मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। देखिए, गलत उम्र। गलत उम्र का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे से लोग होते हैं जब आईटीआई करते हैं तो एक उम्र होती है, जैसे एक उम्र होती है शादी करने की, एक उम्र होती है पढ़ाई करने की, और एक उम्र होती है जॉब करने की, है ना, एक उम्र होता है रिटायरमेंट होने की। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप आईटीआई करें तो एज का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो है जब 30 साल के हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब आईटीआई कर लें, है ना। तो अब 30 साल के बाद जो है बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लगभग 90% कंपनी ऐसी है जो 24 साल, ठीक है, जो 24 साल हो जाता है तब 18 से 24 साल तक जो है अप्लाई करते हैं, मतलब लेते हैं वो 18 से 24 साल तक, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां 18 से 28 साल तक लेती हैं। लेकिन अगर आप जो है जब ओवर एज जाएगा आपका
तब फिर आप आईटीआई करेंगे और इसके बाद जब जॉब की तलाश करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा, फिर आप वही कहेंगे कि आईटीआई करना व्यर्थ होता है। तो इसीलिए गलत उम्र, मतलब कि आप सही उम्र में करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे हाई स्कूल इंटर पास कर लिए और उसके बाद आईटीआई कर लिए, अब लोग ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग आईटीआई करते हैं फिर कहते हैं जॉब नहीं मिलती है, तो समस्या है वहाँ पर। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आप आईटीआई करें तो सही उम्र में कर लें तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उसका। इसके बाद आता है नेक्स्ट मार्गदर्शन और गलत मार्गदर्शन। अगर आपको कोई जैसे बता दिया कि भाई देखो आईटीआई कर लो, आईटीआई करने में जो है फ़ायदा मिलता है, ये कर ला, ये जो है इस ट्रेड से कर लो, इस कॉलेज से कर लो, तो अगर कोई गलत मार्गदर्शन गलत गाइड आपको कर दिया तो आप पछताएंगे क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर आप यही कहेंगे कि जो है किसी ने कहा था मुझसे ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो दिक्कत हो जाती है उससे। तो दोस्तों इसीलिए आपको समझना ये है कि गलत मार्गदर्शन अगर आपको कहीं मिलता है तो उसे आप इग्नोर करें, ताकि जो है आप कहीं के सही दिशा में चले और आपको सही गाइडलाइन मिले और सही जो है आप फैसला कर सकें। गलत मार्गदर्शन जब मिल जाता है तो गलत फैसला ले लेते हैं, फिर बाद में फिर पछताते हैं, गलत ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं, गलत कॉलेज से कर लेते हैं और फिर आप जो है जॉब नहीं पाते हैं, तो फिर आप पछताते हैं ज़िंदगी भर की आईटीआई करना व्यर्थ होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं 2024 में तो आप इन सब बातों को ध्यान रखें और अच्छे तरीके से आप आईटीआई करें, आपको जॉब पक्का मिलेगी। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलता है, आप मेहनत करिए, सरकारी और जो है प्राइवेट में दोनों जगह जॉब जो ज़रूर मिलेगा। और आज की डेट में आईटीआई की डिमांड और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कोई अपडेट आती है आपको सूचित किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।